अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो व्हाट्सएप में पूछे गए क्वेश्चन का मतलब है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर किया गया था। ये ड्राइंग है और इसमें पूछा गया था कि उनका जो FRL लेवल है वो बैंड में शो नहीं हो रहे, तो उनको वो बैंड में शो करने हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम देखेंगे। और इसमें हम जो है एक चीज़ जो है ये जो कॉरिडोर लेबल हैं, ठीक है, कॉरिडोर लेबल को बैंड में कैसे शो करते हैं ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे जो कॉरिडोर लेबल हम लगाते हैं सेक्शन में, जर्नली जो है वे क्रॉस सेक्शन के बैंड में जो है वो शो नहीं होते हैं। बाई डिफॉल्ट सिविल 3D में ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं सिविल 3D को ही यूज़ करते हुए, हम यही देखेंगे इसमें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। ये फाइल है जो मुझे सेंड की गई थी ग्रुप में, और इसमें क्या चीज़ है जो मिसिंग है जिसकी वजह से उनके लेबल नहीं शो हो रहे, ठीक है, वो देखते हैं हम। यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा कॉरिडोर बनाया हुआ है। कॉरिडोर को अगर सेलेक्ट करें, यहाँ पे मैं कॉरिडोर प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये जो उनकी टॉप सरफेस है ये उन्होंने चेक नहीं की हुई, तो इसको आपने चेक करना है। ओके, और यहाँ पे आपने इसको कुछ नाम दे देना है। PGL का नाम दे रहा हूँ मैं इसको। ओके, और यहाँ पे इसमें जो है इसको आपने चेक करना है, और यहाँ पे कॉरिडोर एक्सटेंड बाउंड्री है, और जस्ट इसको आपने ओके कर देना है। ओके, कॉरिडोर प्रॉपर्टी सर्फेस, और यहाँ पे सर्फेस स्टाइल जो है कोई भी आप इसमें असाइन कर सकते हैं। तो ये सर्फेस बन गई है इसकी कॉरिडोर की। ठीक है, अभी इस कॉरिडोर सर्फेस को हमने क्रॉस सेक्शन में ऐड करना है। क्रॉस सेक्शन में ऐड करने के लिए आप किसी भी सैंपल लाइन को सेलेक्ट करें, सैंपल मोर सोर्सेस। ओके, और यहाँ पे ये अभी हमने क्रिएट की है PGL के नाम से, इसको मैं ऐड करता हूँ, और इसको आपने जो असाइन करना है कोड वो फिनिश ग्रेड करना है। ओके, सरफस हमारी क्रॉस सेक्शन में ऐड हो गई है। ओके, यहाँ पे अभी आपने बैंड स्टाइल में जाना है, सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इसको आपने चेक करना है। ओके, और यहाँ पे ये जो PGL है यहाँ पे आपने अभी जो सरफस हमने ऐड की है इसको आपने ओके करना है। ओके, अप्लाई और ओके, तो यहाँ पे ये जो लेबल हैं ये अपडेट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 5.926 है। ओके, 5.94, तो ये एग्जैक्ट इस लेबल, ये जो लेबल आ रहा है ये एग्जैक्ट ये लेबल नहीं आ रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई ऑप्शन बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो जनरली जो है इसमें यूज़ होती नहीं है। ठीक है, अगर हम ग्रेड ब्रेक भी यूज़ करें तो वो डिफरेंट इंटरवल पे यहाँ पे लेबल आते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वही हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरी ड्राइंग में इसकी कुछ सेटिंग करके रखी है। ठीक है, सेम फाइल है, ये वाले जो कोड हैं जो इस ड्राइंग में मिसिंग है थोड़े से कोड। ठीक है, कोड सेट स्टाइल पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो मौजूद है चैनल पर, अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। ठीक है, तो यही कोड मैंने असाइन किए हैं थोड़े से इसमें, इस सेक्शन में जो कोड वहाँ पे मिसिंग है वो मैंने यहाँ पे असाइन किए हैं। ये कोड आप असाइन ना भी करें तो भी आपको ये वाला जो आउटपुट है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो बैंड है, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये बैंड मैंने डिलीट कर दिया, इसको हम बिल्कुल न्यू बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे FG एलिवेशन और EG एलिवेशन जो है एग्जिस्टिंग ग्राउंड और फाइनल ग्राउंड का एक बाई डिफॉल्ट सिविल 3D में लेबल मौजूद होता है। हम इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करंट सिलेक्शन, और यहाँ पे इसका नाम चेंज करते हैं। ठीक है, PGL नाम दे देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे जो है मैं इसको PGL का नाम दे देता हूँ।
ओके, इसको सेंटर कर देता हूं मैं। ओके ओके अप्लाई। उसके बाद यहाँ पे ये जो मेजर इंक्रीमेंट है ये हमें नहीं चाहिए इसमें, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, माइनर भी नहीं रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे सेंटर लाइन का आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, हम बाद में देखेंगे इसको, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम ले लेंगे इसको बाद में। ओके, सैम्पल लाइन वर्टेक्स भी हमें नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे ग्रेड ब्रेक का जो लेबल है ये हमें रिक्वायर्ड है। इससे पहले हमें यहाँ पे लेयर्स में कुछ लेयर्स हमें ऑफ करनी है और कुछ ऑन करनी है। लेबल सेंटर लाइन ये हमें नहीं चाहिए, मेजर इंक्रीमेंट भी नहीं चाहिए, हमें ग्रेड ब्रेक का लेबल चाहिए। ओके, और थिक एयर सेंटर चाहिए। ओके, ये ऑलरेडी जो है वो ऑन है लेयर, इसको भी मैं ऑन करता हूँ। और यहाँ पे ये जो है इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ग्रेड ब्रेक में हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड करना है और ये हमारा PGL का लेबल है। ओके, और इसकी जो पोजीशन है वो बेंट आर्म में मैं रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो है टॉप सेंटर करता हूँ। ओके, टेक्स्ट हाइट जो है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लेबल है यही चीज़ है इसमें जो आपने इसमें असाइन करनी है, ठीक है। तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जो सबसे पहले चीज़ ऐड करनी है वो सेक्शन वन एलिवेशन करना है। यहाँ से आप अपना डेसिमल सिलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे जो आपने कुछ खाली स्पेस थे एम्प्टी स्पेस रखना है, मैं इसको थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस छोड़ रहा हूँ इसमें। और यहाँ पे आपने फिर डेसिमल लेना है। ओके, इसके एंड पे जाना है आपने। ओके, और यहाँ पे आपने ऑफसेट फ्रॉम सेंटर लाइन लेना है और यहाँ पे डेसिमल इंक्रीज करना है आपने। ओके, इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल वगैरह जो भी आप रखना चाहें। ओके, ओके, लाइन इसको आपने 90 डिग्री पर रोटेट कर लेना है। यहाँ पे कुछ ऑफसेट की वैल्यू है, आपने अपने बैंड की हाइट के हिसाब से इसको रख लेना है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये जो विड्थ है इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, अप्लाई। ओके, और इसको मैं जो है यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, अप्लाई। ओके, अप्लाई। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक बैंड है हमारा वो बन गया है, ठीक है। इसकी मज़ीद कुछ सेटिंग करता हूँ मैं इसमें। ओके, 0। ओके, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसकी जो एलिवेशन है वो ये है। ओके, ये वो हमारा लेबल था, ठीक है। इसको मैं एडिट करता हूँ। ये हमारा जो है वो PGL था, PGL लेबल। ओके, ठीक हो गया। अभी यही PGL लेबल जो है इसको मैं एक दफ़ा फिर कॉपी कर रहा हूँ और अभी ये हमारा NGL हो जाएगा, NGL लेबल। ओके, और यहाँ पे जो है NGL, NGL, ओके, 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 यहाँ पे ग्रेड ब्रेक में आपने आना है। यहाँ पे अभी हमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। ओके,
इसको मैं ओके करता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये जो है टिक जो है हमें वो फुल चाहिए। अप्लाई, ओके अप्लाई, ओके अप्लाई, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट जो लेवल है हमारा, ये बैंड जो था वो हमारा एनजीएल का था। ओके, इसको मैं ऐड करता हूँ 0, और ये मुझे टॉप की तरफ चाहिए। ठीक है, अभी इसी को मैं फिर कॉपी करता हूँ, और ये हमारा जो है ऑफसेट का है, ऑफसेट लेबल है हमारा ये। ओके, और इसको मैं ऐसे ही ऐड करता हूँ, अप्लाई, ओके ओके, और इसको मैं 0-0 करता हूँ, इसको मैं टॉप में रख रहा हूँ। यहाँ पे ये जो फर्स्ट है, यहाँ पे आपके जो टॉप सरफेस है वो असाइन करना है आपने। ओके, और जो सेकंड वाली है वहाँ पे आपने अपना जो है एग्जिस्टिंग ग्राउंड असाइन करना है। अप्लाई, ओके अप्लाई, ओके ओके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है, ये लेबल जो है हमारे यहाँ जहाँ पे कॉरिडोर पॉइंट थे वहाँ वहाँ पे ये लेबल जो है वो आ गया है। इसकी मज़ीद सेटिंग जो है वो थोड़ी सी मैं करता हूँ। प्रॉपर्टी, ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो इस बैंड की जो हाइट है वो 15 है, मैं इसको 20 कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये जो टिक है इनके, इनको मैं चेंज कर देता हूँ 20। ओके ओके ओके, और इसको मैं 20 कर देता हूँ। ओके अप्लाई, ओके ओके ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये जो इसकी पोजीशन, इसको जो है आप अपने हिसाब से मज़ीद सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप इसकी लेयर से चेक कर सकते हैं, लेयर ऑलरेडी हमने ऑन की हुई है। ओके, और यहाँ पे जो है बैंड में, ओके सेंटर लाइन फुल, ओके ओके, और यहाँ पे आपने इसको 0 कर देना है। अप्लाई, ओके अप्लाई, ओके, ये सेटिंग हो गई है। ओके, अभी ये जो लेबल ऊपर जा रहे हैं इनको आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। ओके, यहाँ पे ये वाला जो ऑफसेट है, ओके यहाँ पे आपने इसको बेंड टॉप में रखा है, और यहाँ पे टॉप सेंटर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये वाली जो हाइट है आपने इसको कम या ज़्यादा करके आपने इसको देख लेना है। ओके ओके ओके, अप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे जो है, इस बैंड की मैंने थोड़ी सी सेटिंग की है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, जैसे ये टिक वगैरह हैं, तो इनको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आपने जैसे इस बैंड में शो नहीं हो रही हैं, ऊपर के दो में हैं, तो मैं इनको एडिट करता हूँ, एडिट, ओके। और यहाँ पे ये जो मेजर है यहाँ को, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ओके, और इसमें भी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ओके, क्लोज क्लोज, ओके अप्लाई। तो ये टिक यहाँ से जो है वो चली गई है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कैसे आएंगी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया है इसको। सबसे पहले तो ये दो लेयर आपकी ऑन होनी चाहिए, टिक एट सेंटर लाइन, टिक एट ग्रेड ब्रेक। ओके, इसके बाद यहाँ पे बैंड लेबल में आपने जाना है, और यहाँ पे ये जो सेंटर लिखा है यहाँ पे फुल बैंड हाइट टिक लिख पे क्लिक करना है, और ये ग्रेड ब्रेक जो लिखा है यहाँ पे भी आपने फुल बैंड हाइट पे
रखना है इसको, और ग्रेड ब्रेक में जो है कंपोज लेवल में जाना है। ओके, और कंपोज लेवल में यहाँ पे आपकी सेटिंग है जिस हिसाब से आपके बैंड में ये सेटिंग ये टेक्स्ट फिट आता है, ठीक है, आपने उसी के हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे टेक्स्ट हाइट मेरा 2.54 है, बैंड टॉप है, और यहाँ पे 90 डिग्री पे मैंने इसको रोटेट किया हुआ है, टॉप सेंटर है, और एक्स ऑफसेट ये जो लाइन के लाइन से थोड़ा सा गैप शो हो रहा है यहाँ पे, ये एक्स ऑफसेट है, और ये वाई ऑफसेट जो है वो ये वर्टिकल जो है उसके लिए वाई ऑफसेट मैंने दिया है इसमें। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले हमने एलिवेशन वन लिया था, फिर हमने एलिवेशन टू लिया था, और फिर हमने ऑफसेट फ्रॉम सेंटर लाइन लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे यही सेटिंग है, यहाँ पे आपने कुछ एम्प्टी स्पेस 1 2 3 जितना भी आपके बैंड की हाइट के हिसाब से होगा वो आपने इसमें असाइन करना है, और आपका ये बैंड बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये बन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है ये PGL है, ओके, ये NGL है, और यहाँ पे ये जो टॉप का है वो ऑफसेट है, ठीक है। इस पे हमने लेबल चेंज नहीं किया था, मैं चेंज कर देता हूँ इसको, ओके, ये वाला ऑफसेट हमारा है, इसको हमने यहाँ पे कंपोज करना है, और यहाँ पे ये जो है ऑफसेट है काफी, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, ओके 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 ओके, यहाँ पे ये ऑफसेट लिखा आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने जो है ये कॉरिडोर के जो पॉइंट के लेबल हैं वो आप अपने बैंड में शो कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास जो है ये हमारा FRR PGL आ गया है, ओके, उसके बाद हमारा OGL आ गया, और उसके बाद हमारे जो PGL है उसके कॉरिडोर पॉइंट के हिसाब से जो भी ऑफसेट बन रहे हैं सेंटर लाइन से, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो है, ये सेंटर लाइन है, ओके, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में ऑफसेट है, और यहाँ पे बाकी जो सारे राइट साइड में जहाँ जहाँ पे भी इस पे ग्रेड ब्रेक है वो सारे पॉइंट यहाँ पे आपके आ गए हैं। अगर हम इसको नॉर्मल सिविल 3D बैंड के हिसाब से करते तो यहाँ पे ये वाले जो है एग्जैक्ट लेबल शो नहीं हो सकते थे। तो उम्मीद है आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये बैंड कैसे बनाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।